हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी में एक रिलैक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जिसकी हेल्प से आपकी जितनी भी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। ये एब्डोमेन की मसल्स को भी रिलैक्स करता है जिसकी वजह से बेबी की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़े तो आपका एब्डोमेन का साइज भी बढ़ जाए जिससे बेबी भी प्रॉपरली ग्रो हो सके। लेकिन इसकी वजह से जो पेल्विक मसल्स होती हैं, जो थाई मसल्स होती हैं, ये भी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं। लेकिन आपको इनको स्ट्रेंथन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि डिलीवरी के टाइम पे आप प्रॉपर लेबर पेंस ले सकें और बेबी ईजिली डिलीवर हो सके। लेकिन ऐसी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करनी है जिससे कि आपका बेबी एकदम सुरक्षित रहे। तो चलिए बात करते हैं ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं। सबसे पहले आपको हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। आप 6 से 7 kg तक का वेट उठा सकते हैं लेकिन आपको सडन जर्क से वेट नहीं उठाना है। पहले आपको हल्का सा बैठना है फिर धीरे से वेट उठाना है, क्योंकि आप सडनली ज़्यादा वेट उठाते हैं तो मसल पुल हो सकता है। अगर आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी है तो फर्स्ट बेबी को भी आपको ज़्यादा नहीं उठाना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप बेबी को थोड़ा बहुत उठा सकते हैं और कोशिश करिए कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर से बेबी को ना उठाएं। सेकेंडली, ऐसी एक्सरसाइजेस बिल्कुल भी ना करें या ऐसे गेम्स बिल्कुल भी ना खेलें जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गई या फिर हैवी साइकिलिंग हो गई। आप बहुत स्लो साइकिलिंग कर सकते हैं। अब काफ़ी सारी जिम की एक्सरसाइजेज हैं जो आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि प्लैंक्स हो गया, क्रंचेस हो गए, सिटअप्स हो गए, ट्विस्टिंग मूवमेंट्स हो गया, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है, टाइटनिंग होती है, उसकी वजह से आपके बेबी की ग्रोथ थोड़ा कम हो सकती है। तो आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप जिम जाते हैं तो आपको वहाँ पर स्टीम बाथ भी नहीं लेनी है, वो भी आपको अवॉइड करना है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ एक्सरसाइजेस थी जो कि आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करनी है जिससे कि आपका बेबी एकदम सुरक्षित रहे और उसकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती रहे। लेकिन ऐसी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस हैं जो आप प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी को कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।